मैं रंजीत कुमार गुप्ता स्टार पब्लिक न्यूज से, और इस समय हमारी मौजूदगी है वन प्रभाग कहे जाने वाला सोहगी वर्मा, जो महाराजगंज जिले के अंतर्गत और कुशीनगर और बिहार को जोड़ने वाली एक यही ग्राम पंचायत है जो सोहगी वर्मा, वहाँ हमारी मौजूदगी है। आज हमारी टीम सोहगी वर्मा के लिए निकली है। यहाँ पे आने जाने के लिए रास्ते की बहुत बड़ी दिक्कत है। माननीय विधायक कुशीनगर जटाशंकर त्रिपाठी जी के द्वारा एक पीपा पुल का निर्माण कराया गया है, लेकिन कुछ दूरी पे आके वो खत्म हो जाती है। वहाँ से सोहगी वर्मा की दूरी लगभग मान के चलिए 7 से 8 किलोमीटर। यहाँ की जनता जनार्दन काफ़ी दुर्दशा झेलती है, और रेत के सहारे, रेत में वो अपनी बाइक से, कोई साधन से है, कोई अपनी दोपहिया से, कोई चरपहिया से, कोई साइकिल से है, तो आने में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। आज यहाँ के कुछ सम्मानित व्यक्तियों द्वारा यहाँ का रेत में कुछ गन्ने के छिलके जो पुराने हो चुके हैं उनको बिछवाया जा रहा है, और एक समाज के लिए बहुत बड़ा इन लोगों के द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। आज हम जब यहाँ पे पहुँचे तो काफ़ी दिक्कत का सामना करते हुए मैं दूसरी रास्ता से आया, लेकिन इन लोगों के द्वारा कहा गया कि आप लोग आइए, और एक हम लोगों के द्वारा और सम्मानित जनता के द्वारा एक अच्छा सा रोड बनाया गया है इन लोगों के द्वारा, चंदा वसूल कर कुछ लोगों के सहयोगों से, 10-10 रुपया के सहयोग से ये लोग बनाए हैं। आप लोग, आप इनको कैमरामैन से मैं कहना चाहूंगा कि इनको रोड दिखाएं, इनको दिखाइए कि किस तरह रोड है। इसी रोड के सहारे ये लोग आएंगे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे काफी मजदूर भी हैं, और यहाँ पे जो ये इस छिलकों के बिछवाने का जो काम किए हैं, आप आइए मैं उनसे बात करता हूँ। इन लोगों की मुख्य मांगे क्या हैं सोहगी वर्मा के लिए, सोहगी वर्मा के विकास के लिए इन लोगों की मुख्य मांगे क्या हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चाचा जी आप ये कैसे और कितने दिनों में आप ये तैयार किए हैं? नाम मेरा जितेंद्र कुमार प्रजापति, रहने वाले कहाँ के हैं? शिवपुर, सोहगी वर्मा थाना अंतर्गत, खड्डा थाना। तो ये रोड बिछवाने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है? हाँ हाँ, हम लोगों का द्वारा, पूरा पब्लिक द्वारा, जनता से 10-10, 20-20 रुपया वसूल करके किया जा रहा है। माननीय जटाशंकर त्रिपाठी जी विधायक महोदय, वो पीपा लगवाए हैं हम लोग, तो पीपा की दूरी तो काफी कम है, उसके बाद की यात्रा आप लोग कैसे करते हैं? ऐसा हम लोग पहले यात्रा तो बहुत हम लोग या बोलोरो कोई साधन इस समय नहीं आ पा रहा है, लेकिन हम लोग सारे लोग उन्हें जुट करके और 10-10, 20-20 रुपया चंदा लगा करके हम लोग ये रोड को बनवा रहे हैं, रास्ता। तो ये कितना % तैयार हो चुका है आपके द्वारा? ये स्वदेशी रोड इसको कहा जाएगा, 100% में 80% तैयार हो चुका है, 20% बाकी है, 10% बाकी है। तो ये बताइए कि आपके विधायक जटाशंकर त्रिपाठी जो खड्डा के माननीय विधायक जी हैं, इनसे आपकी मुख्य मांगे क्या हैं, आपको क्या चाहिए? मांगे तो पीपा पुल छोड़ के आपको क्या चाहिए? अगर रोड बन जाता, पक्की पुल बन जाता और रोड बन जाता तो हम लोगों की सारी समस्या बंद बन जाता। हम लोग को पुल और बांध। आपका नाम क्या है? विनोद गुप्ता। विनोद गुप्ता कहाँ के निवासी है? शिवपुर। अगर ये बांध बन जाता और पक्की पुल, रास्ता बन जाता और रोड पीच और पुल बन जाता पक्की, तो बहुत धन्यवाद होता। तो हमारी मौजूदगी इस समय सोहगी वर्मा क्षेत्र के शिवपुर में है, और बीच 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 नदी में है हम। तो अभी दिखाइए इनको, बाइक से जो आ रहे हैं इनको दिखाइए कि कैसे कितनी समस्या का समाधान इनको करके आना पड़ता है। आइए इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? कहाँ से आ रहे हैं? कटहरी। और कहाँ को जाएंगे आप? आने में आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा, इसके पहले और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। अभी इन लोग के रोड बनाए हुए से कुछ आपको लाभ हो रहा है? थोड़ा थोड़ा हो रहा है।